हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, यानी कि अगर कोई आपके पास जीपी इनफाइनाइट हो तो उसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो जो होना चाहिए, देखिए क्या रहा, -1 to 1 लाइक करना चाहिए, यानी -1 से 1 के बीच में होगा यह कॉमन रेशियो, है ना जी, ना तो 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या फिर ना -1 से less than होगा ना इक्वल होगा, बस -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो उसका सम जो होगा, उस इनफाइनाइट जीपी का सम जो होगा वह a बाई में 1 माइनस आर होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि s इनफाइनाइट, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होगा a बाई में 1 माइनस आर होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं, देखिए जो दिया हुआ, लेट एन इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, वेयर आर जो होगा -1 से ग्रेटर और लेस देन होगा 1 से, ठीक है ना जी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस जीपी, अच्छा एन टर्म्स के अगर हम सम की बात करेंगे तो आप लिखते हैं एस एन इक्वल टू में ए इंटू में 1 - r^n/(1 - r). अच्छा इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो a बाई में 1 माइनस आर और माइनस का ए आर का पावर एन बाई में 1 माइनस आर, ऐसे एक बार a इस 1 माइनस आर से और एक बार r का पावर एन बाई 1 माइनस आर से ये मल्टीप्लाई कर गया, तो ये हो गया एस एन इक्वल। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर r का पावर n जो होगा, यहाँ लिख सकते हैं decreases as n increases। देखिए यहां पर r का वैल्यू -1 से 1 होगा, तो n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ये आपका r का पावर n जो होगा ये डिक्रीज होते जाएगा, है ना जी, ये जैसे जैसे, है ना, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे अगर हम लोग n की जगह पे इनफाइनाइट ले रहे हैं, यानी r का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो अगर इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा बढ़ गए, n का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए, ठीक है ना जी, n का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए, तो इसका मतलब r का पावर n क्या हो जाएगा, 0 के नियर हो जाएगा। सपोज करिए कि r का वैल्यू आपका 0.1 है, अब मैं 0.1 का पावर सपोज करिए यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, तो इसका मतलब आएगा 0.00000001 ये होगा। तो अगर यही इनफाइनाइट हो जाएगा तो 0.00000000 एकदम वो क्या हो जाएगा, 0 के नियर चल जाएगा। बस ये कंडीशन ध्यान रखना कि r का वैल्यू जब -1 से 1 के बीच हो, तब ये -1 से 1 के बीच में है ना, देखो यहाँ पावर जैसे जैसे इसका इंक्रीज करें, यानी पावर देखिए n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करें r का पावर n डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब एक ऐसा कंडीशन आएगा n tends to 0, है ना, एक ऐसा कंडीशन है जब ये 0 हो जाएगा, कब, है ना, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे वो क्या हो जाएगा, 0 के नियर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज हम लिख सकते हैं कि r का पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू, अगर n इनफिनिटी की तरफ जाता है तो r का पावर n क्या हो जाएगा, 0 के नियर टेंस हो जाएगा। अच्छा जब इसका r का पावर n 0 के नियरेस्ट हो जाएगा, तो इसके बाद अगर हम लोग a r का पावर n बाई 1 माइनस r करें, तो यहां पर देखिए जब ये 0 के नियरेस्ट है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये सब भी 0 के नियरेस्ट हो जाएंगे, ये भी टेंस टू 0 as n टेंस टू इनफिनिटी। तो अब यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं सम जो होगा इनफाइनाइट टर्म का सम किसे दिखाने में, तो लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी एस एन, जो ऊपर था यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी
एस एन का वैल्यू ये वाला रख देंगे, आ जाएगा ए बाई में वन माइनस आर माइनस ए का पावर आर में बाई वन माइनस का आर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा यही ना जी, यानी कि हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होगा वह हो जाएगा ए बाई में वन माइनस आर, तो यही ना बच जाएगा आपका, इसमें तो एन है ही नहीं, तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट समझ लो, कॉन्स्टेंट ऐसे ही आ जाएगा और इसमें देखिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये हमें इनफाइनाइट टर्म का सम ए बाई में वन माइनस आर आ गया, यहाँ पर आर का वैल्यू ध्यान रखना कि मोड ऑफ आर वन से लेस देन हो या फिर माइनस वन से वन के बीच में लाई करे, आपका वन आर का वैल्यू, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे, आप कहोगे कि सर आर का वैल्यू मान लीजिए वन से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो क्या करें, तो जब वन से ग्रेटर हो या इक्वल हो, सपोज अगर ये वन से ग्रेटर हो या वन से इक्वल हो, तो आप वन ही लेके चलो ना, अगर आर का वैल्यू वन हो और फर्स्ट टर्म भी वन हो, तो फर्स्ट टर्म वन, सेकेंड टर्म भी वन, थर्ड टर्म भी वन, फोर्थ टर्म भी वन, ऐसे करके ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनका सम भी तो आएगा इनफाइनाइट ही ना, तो इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि अगर अगर आर का वैल्यू वन और वन से ग्रेटर होगा किसी जीपी का, तो अगर उनके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने होंगे तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा, ये ध्यान रखना। इफ कॉमन रेशियो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, देन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपी जीपी टेंड्स टू इनफिनिट इनफिनिटी, है ना जी, तो इनफिनिटी के नियरेस्ट चला जाएगा, आर का वैल्यू अगर जीरो वन से ग्रेटर और इक्वल लेंगे तब। अच्छा अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस वन हो, देन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपी टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, समझ गए, तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइड चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।